मुजफ्फरपुर के कटेसर पंचायत में हो रहा है महाचंडी यज्ञ, जिसमें टोटल 60 देवी देवता का जो है सो यहाँ पे मूर्ति जो है सो बनाया गया है। चलिए आपको पूरा दिखाते हैं। यहाँ से टोटल जो है यहाँ से शुरू होता है गणेश जी से लेकर के, और उधर तक कैमरा आप घुमाइए तो टोटल आपको जो है सो वहाँ तक जो है सो पूरा मूर्ति बना दिखेगा। और चलिए हम आपको जो है सो बारी बारी एक एक करके जो है सो मूर्ति को दिखाते हैं। थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक लाइएगा। गणेश जी का मूर्ति शुरू हुआ है, और इधर हो गए आपको सारा जो है नाम देवी देवता का दिया गया, लक्ष्मी जी हो गए, सरस्वती जी हो गए, इधर दुर्गा माँ का। आपको बता दें कि दुर्गा माँ का टोटल जो है 9 रूप भी यहाँ पर बनाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं आगे चल करके। तो यहाँ से जो है सो दुर्गा माँ का जो टोटल जो रूप होता है वो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। चलता हुआ जो मूर्ति है बड़ी दुर्गा माता का, वो बनाया गया है जो कि नाइट के समय में 6 से 7 बजे के करीब जो है जो अंधेरा हो जाता है तब इस मूर्ति को चालू किया जाता है। और साइड उसके सीधे सामने जो है वो भी आपको दिखाएंगे, वहाँ जो यज्ञ होता है जो कि आपको 14 तारीख तक जो है 14 मई तक जो है सो यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, और मेला भी साथ में लगाया गया। इधर का जो मूर्ति है ये पूरा जो दुर्गा माँ का जो है रूप 9 रूप है, उस रूप का जो है सो पूरा यहाँ पे मूर्ति को दर्शाया गया है। इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ से दुर्गा माँ का जो है सो ये 9 रूप का जो है मूर्ति का रूप जो खत्म होता है। इसके आगे यहाँ पे आपको इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है सो भगवान विष्णु का जो है सो मूर्ति बनाया गया है, तो इस तरफ जो है सो ये बंदर माखन चोर का भी बनाया गया है। उसके थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो कृष्ण जी का जो बाल गोपाल का जो रूप होता है वो दर्शाया गया है, इधर माखन चोर वाला जो होता है रूप वो दिया गया है। इस तरफ जो भी छोटा मोटा सारा जो मूर्ति सब है वो सब दर्शाया गया है। बाकी इधर से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ जो है आपको काफी इंटरेस्टिंग सा जो है सो मूर्ति देखने को मिलेगा, जो कि हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। इस तरफ जो है सो कृष्ण राधा का मूर्ति हुआ, उसके ठीक थोड़ा सा बगल में आप देखते हैं, थोड़ा नजदीक आइए, थोड़ा बगल में देखते हैं तो इस तरफ जो है आपको श्रवण कुमार का जो है सो मूर्ति देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम जगह देखने को आपको मिलता है। इस तरफ आपको जो है सो यहाँ पे सुरूपनेखा का भी जो है सो मूर्ति बना हुआ दिखेगा। तो ये जो हो गया आपका कंस मामा वाला जो स्वरूप होता है वो यहाँ पे दिया गया। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कृष्ण जी का जो स्वरूप जो है सो सारा चीज यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ से आपका मूर्ति का एंडिंग होता है। इस तरफ आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे रामलीला भी होता है, दोपहर 3 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे तक यहाँ पे जो है यज्ञ लगातार होते रहता है। उसके बाद से जो है सो सारा मेला का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और इस तरफ आप देखिएगा तो बड़ा ही कमाल का चीज़ देखने को मिला है, मतलब इसको आप देख करके समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ें, बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ समझ गए तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा एरिया में जो है मेला को लगाया गया है, और यहाँ जहाँ तक जो नज़र जाता है मतलब उतना भी दूर नहीं है लेकिन फिर भी है। इस तरफ आपको जो है सो पूरा झूला वाला सेक्शन मिलता है देखने को, और पूरा रात के समय में पूरा भरा रहता है, रात के समय में पूरा जो है सो खोल दिया जाता है इसको, और खाने पीने का जितना भी आइटम होता है अच्छा खासा उधर होटल आपको देखने को मिलेगा, पूरा खाने पीने का आइटम भरा है, झूला है और ख़रीदने का बहुत सारा सामान है, हर एक माल हो गया, जैसे डिज्नीलैंड होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको लगाया गया है। पीछे आपको बैकग्राउंड में जो है सो ब्रेक डांस झूला दिख रहा होगा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टावर झूला, मिनी टावर झूला, जो बच्चा का जो टावर झूला होता है वो दिखेगा। उसके पीछे आप देखेंगे तो आपको वो दिख रहा होगा कि बड़ा वाला झूला है, और बहुत सारा झूला है यहाँ पे, आपको नाव वाला झूला हो गया इत्यादि वगैरह सारा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को। तो अगर आप आना चाहते हैं तो 14 तारीख तक यहाँ मेला में जो है सो आ सकते हैं। बाकी ये वाला वीडियो जो है अपने निभा निभी बाबू सोना के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ घूमने आइएगा, 14 मई तक जो है सो मेला लगने वाला है। और आपको लोकेशन फिर से क्लियर कर देते हैं, मुजफ्फरपुर कटेसर पंचायत में ये जो है सो मेला का शुभारंभ हुआ है जो कि 14 मई तक रहेगा।